अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर जुनैद रसूल है। मैं कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट हूँ। आज जो सवाल किया गया है वो है कि हाउ वी कैन मैनेज आवर मेंटल हेल्थ, यानी ज़हनी सेहत का ख्याल कैसे रखा जा सकता है। सबसे पहले आई थिंक मेंटल हेल्थ के लिए इम्पॉर्टेंट है कि बच्चे की अच्छी पेरेंटिंग या तरबियत की जाए। मेंटल हेल्थ का इशू राइट फ्रॉम द बिगिनिंग स्टार्ट हो जाता है बचपन से ही, तो पेरेंटिंग अच्छी होगी तो मेंटल हेल्थ इशूज़ में कमी आ सकती है और उसमें बेहतरी आ सकती है। नंबर टू, बचपन से ही बच्चे को हम स्किल सिखाते हैं, पढ़ाई के हवाले से ट्रेन करते हैं, हम सब चीज़ें करते हैं, लेकिन इमोशंस को मैनेज करना नहीं सिखाते। तो इमोशनल मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट, उतनी ही इंपॉर्टेंट स्किल है कि अगर मैथ्स में बच्चा बड़ा अच्छा है तो इमोशंस कैसे मैनेज करता है, ये भी उतनी ही इंपॉर्टेंट स्किल है। और लाइफ में सक्सेस इन्हीं चीज़ों से मिलती है कि इमोशनल मैनेजमेंट करे वो। थर्ड ये है कि लाइफस्टाइल मैनेजमेंट अगर हम करें, जिसमें खुराक हमने कैसी खानी है, हेल्दी फूड है, लाइफ में स्ट्रक्चर होना चाहिए, हैपहैज़र्ड लाइफ या अनस्ट्रक्चर्ड लाइफ जो है वो मेंटल हेल्थ इश्यूज को उससे हो जाते हैं। और एक्सरसाइज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि फिज़िकल एक्टिविटी अच्छी होगी तो मेंटल हेल्थ बेहतर हो सकती है। इसमें हम रिस्क फैक्टर्स पे भी आई थिंक बात करना चाहिए कि वो क्या रिस्क फैक्टर्स हैं जिससे मेंटल हेल्थ इश्यूज़ बढ़ते हैं। उसमें मेरा ख्याल है कि ट्रॉमेटिक इवेंट्स या सैड इवेंट्स या मुश्किल हालात अगर ज़िंदगी में देखे जाएँ उससे मेंटल हेल्थ इश्यूज बढ़ सकते हैं। सेकेंडली, ड्रग अब्यूज़ यानी नशा व चीज़ों का इस्तेमाल अगर कोई इंसान कर रहा है तो वो भी ऐड करता है मेंटल हेल्थ इश्यूज़ में, तो ये एक रिस्क फैक्टर है उसके लिए। इसके अलावा जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है मेंटल हेल्थ मेंटेन करने के लिए कि अर्ली इंटरवेंशन की जाए, यानी कोई भी मर्ज अगर शुरू हो रहा है फौरन ही उसका इलाज किया जाए। जितना मर्ज ज़्यादा अनट्रीटेड रहेगा उतना ही उसको उसका इलाज करना मुश्किल है। तो आई थिंक ये बेसिक है मेंटल हेल्थ के बारे में कि किस तरह हम इससे प्रिवेंशन कर सकते हैं और किस तरह इसको मैनेज कर सकते हैं। दिस वीडियो इज़ पार्ट ऑफ अ मेंटल हेल्थ अवेयरनेस कैंपेन व्हिच इज़ डन बाय marham.pk।